नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मैनपुरी पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछिया रोड का है, जहां आज 2000 के इनामी महिपाल उर्फ नेपाली को कोतवाली पुलिस और बिछवा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मैनपुरी कोतवाली पुलिस और बिछवा थाना पुलिस संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान महिपाल उर्फ नेपाली, जो अड़ुपुरा का रहने वाला है, वहां से निकला। पुलिस ने आरोपी अभियुक्त को रोकने की कोशिश की, वह नहीं रुका और उसने पुलिस के ऊपर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर कर दिया, जिससे आरोपी अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से आरोपी अभियुक्त मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद एक मोबाइल और एक तमंचा मोटरसाइकिल सहित कारतूस भी बरामद किया गया है। क्या हुआ? आज कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछिया रोड पर इंस्पेक्टर कोतवाली अजीत सिंह और यशो बिछवा अमित सिंह चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक काले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया तो वो चकमा दे के भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें से उसके पैर में गोली लगी है और वो घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इसके बारे में पूछताछ की गई, पता चला कि ये इस थाना क्षेत्र से दो अपराधों में ये वांछित था और इस पर 20,000 रुपये का इनाम था। और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया गया तो ये लगभग इस पर 16 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, गैंगस्टर सहित 16 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। तो ये एक पुलिस की अच्छी कामयाबी है, इस पर 20,000 रुपये का ऑलरेडी इनाम घोषित था तो पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार किया है और इस मजरूह को अस्पताल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से फरार चल रहा था ये आरोपी, कब से पुलिस फरार कर रही है? ये इसमें आठवें महीने से, ये अगस्त से इसकी 83 भी हो गई थी और ये कोतवाली क्षेत्र में कई वाहन बरामद, इनोवा वगैरह हुए थे, उसमें ये वांछित चल रहा था। इसके बाद एक पुलिस मुठभेड़ उस समय हुई थी तो उसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए थे उससे संबंधित, उसमें भी वांछित चल रहा था तो अगस्त में इसकी कुर्की हो गई थी। सर, मैनपुरी के अलावा और भी जनपदों में अपराध खारिज किए? ये जानकारी की गई है तो जो 16 मुकदमे दर्ज है उसमें फिरोजाबाद, कन्नौज और मैनपुरी, तीन जनपदों में इसके मुकदमे पाए गए हैं और इसके बारे में जानकारी की जा रही है।